हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अनारसा रेसिपी। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं अनारसा बनाने को, तो मेरे तरीका से एक बार बनाकर देखिएगा कितना क्रिस्पी बना है। दोस्तों देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 कप चावल लिया है, कच्चा चावल लिया है दोस्तों, हमने एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया। अब चावल को हम वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो धूल कण रहेगा वो निकल जाएगा। दोस्तों देखिए, इस तरह हमें निकाल देना है। अब इसे 6 से 7 घंटे के लिए हमें रेस्ट रहने देना है, फिर मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह हमें पीस लेना है। देखिए चावल के आटे तैयार है दोस्तों। अब चलते हैं डो की तैयारी करने। हमने चावल के आटे को एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 कप चावल के आटे तो 1 कप शुगर लिया है दोस्तों। शुगर को हमने पीस लिया है। अब हम चावल के आटे में शुगर को ऐड करेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाला था, वो भी चीनी पिघलेगा थोड़ा बहुत। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें मिक्स करते हुए डो तैयार करना है। देखिये थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसमें हमें डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे और इस तरह हमें मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे दोस्तों, क्योंकि तेल डालने से थोड़ा क्रिस्पी बनता है। देखिए और इस तरह हमें डो तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा दोस्तों। देखिए एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट रहने देंगे, मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। ये थोड़ा पिघल गया है दोस्तों। अगर आपका ज्यादा गीला हो गया हो आटा, तो उसमें आप थोड़ा चावल के आटे डाल सकते हैं। ये हमारा ज्यादा पिघला नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा हाथ में तेल लगाकर हमें इस तरह डो तैयार कर लेना है। देखिए अब एक बॉल के आकार का लेंगे और इस तरह रोल करेंगे। देखिए इस तरह रोल करें और थोड़ा चपटा कर दें। देखिए बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा दोस्तों। हमने सफेद तिल लिया है, उसमें हमें कोट करना है। देखिए इस तरह दबा दबा कर हमें कोट कर लें। और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, ये तेल में निकलेगा नहीं तिल दोस्तों। देखिए इस तरह दबाकर कोट कर लेना है। देखिए कितना क्रिस्पी बनेगा। सारे अनारसे को हमने कोटिंग कर लिया है दोस्तों, चलिए फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें ऑयल को गरम कर लिया है और इस तरह एक एक करके डाले उसमें। देखिए बिल्कुल आसानी से डाले क्योंकि ये छिड़क भी सकता है, तेल गरम है दोस्तों। अब हम इसे 1-2 मिनट के बाद पलटेंगे इस तरह, पूरा हल्के हाथों से पलटे क्योंकि ये टूट भी जाता है दोस्तों। इस तरह हल्के हाथों से पलट दे। देखिए और हाँ, मीडियम ही रखना है फ्लेम क्योंकि हमें हाई नहीं करना है, जल जाएगा अनारसा दोस्तों। देखिए इस तरह हमें पलट पलट कर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए ये अनारसा तैयार है दोस्तों, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसी तरह सारे अनारसे को हमें निकाल लेना है एक छन्नी में और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है। ये त्योहारों का दिन आ रहा है दोस्तों, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। इसी तरह हमें सारे अनारसे को तैयार कर लेना है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे बिहार का फेमस मिठाई है। देखिए इसे पलट पलट कर हमें तैयार कर लेना है। इसी तरह हमें सारे अनारसों को एक छन्नी में निकाल लेना है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे अनारसे को। देखिए कितना टेस्टी लगा है, इसमें से तेल भी नहीं निकला है दोस्तों। आप मेरे तरीका से एक बार बनाकर देखिए। देखिए देखिए अब तोड़ के बताते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। आपको ये हमारी रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, हमें कॉमेंट करके बताए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।